आज हमारी क्लास थर्ड की मल्टीप्लाई की वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखिए समझिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन अ बुक देयर आर 117 पेजेस। एक बुक में 117 पेजेस है, तो आपको बताना है हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन 21 सच बुक्स। तो 21 बुक्स में टोटल कितने पेजेस है? देखिए अब जैसे ये बुक है हमारे पास, मैथ्स की बुक है ना, इसमें कितने पेजेस हैं? इसमें टोटल 142 पेजेस हैं। ये देखो 142 पेजेस हैं। तो अगर हम ऐसी और बुक्स ले लें, मान लो 21 और बुक्स ले लें, तो उसमें कितने पेजेस होंगे हमें ये निकालना है। अब देखो जरा, अगर हम देखें कि पहली बुक में कितने पेज है, 117, अब जो हमारा क्वेश्चन है। दूसरी बुक में कितने पेजेस हैं, 117। अब हम तीसरी बुक लेंगे, उसमें कितने पेजेस हैं, 117। ऐसे हमें 117 कितनी बार प्लस करना है, 21 बार, है ना, 21 टाइम्स हमें ये प्लस करना है। तो जब भी मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर बार बार प्लस होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 117 कितनी बार प्लस हो रहा है, 21 टाइम्स। ओके, अब एक और बात याद रखो, जब 1 का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इन दोनों को। अब लॉजिक भी समझो और ये भी। अब देखो आप यहाँ रफ में इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, ओके, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 117 आएगा, 2 से 2 7 14, 2 1 2 प्लस 1 3 और 2 1 2। अब ये आपका आंसर आ गया, 3 प्लस 1 4। कैलकुलेशन एक आप चेक कर लेना और जो आंसर आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेकलेस कंटेन 108 बीट्स। नेकलेस मतलब माला जो गले में है, बीट्स मतलब मोती। अब एक माला में कितने मोती हैं, 108। आपको बताना है हाउ मैनी बीट्स विल 32 सच नेकलेस कंटेन। तो 32 सेम वैसे नेकलेस है, उसमें टोटल कितने बीट्स होंगे। सॉरी, मैंने ये थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, पहले यही कर लेते हैं। नंबर ऑफ बीट्स इन वन नेकलेस, एक नेकलेस में कितने बीट्स हैं, 108। और ये देखो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसकी स्टेटमेंट नंबर ऑफ करके बनती है। जैसे पहले हमने बनाया था नंबर ऑफ पेजेस, अब नंबर ऑफ बीट्स, और फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ बीट्स इन 32 नेकलेस। यानी 1 का दिया है और ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 108 मल्टीप्लाई 32। इसका मतलब क्या है कि 108 जो है वो कितनी बार प्लस हो रहा है, 32 बार, तभी आएगा ना हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स। अब ये ऐसे ही आप जब करोगे तो ऐसे ही ये नीचे पहले सॉल्व करना और फिर यहाँ आंसर लिखना, ओके। मैंने तो आपको समझाना इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ी। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स निकालनी है आपको। इफ ईच चेयर कॉस्ट 290, ईच मतलब होता है 1, मतलब हर एक चेयर की कॉस्ट जो है वो 290 रुपीज़ है। तो आपको बताना है 19 चेयर्स की कितनी कॉस्ट है। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 290 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स। अब यहाँ पे रफ में आप नीचे 290 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो इसके साथ यूनिट है रुपीज, तो आप ये रुपीज भी यहाँ लिखोगे, वो आंसर यहाँ लिख देना, ओके। पूरी एक्सरसाइज में यही है, देखो 1 का दिया है और हमें ज्यादा का निकालना है। नेक्स्ट, देयर आर 32 बलून्स इन 1 पैकेट। एक पैकेट में कितने बलून्स हैं, 32। हाउ मैनी बलून्स आर देयर इन 24 सच पैकेट्स। तो 24 पैकेट्स में कितने बलून हैं, सो सिंपल, नंबर ऑफ बलून्स इन 1 पैकेट 32, और कितने में निकालना है, नंबर ऑफ बलून्स इन 24 पैकेट्स। तो ये आ जाएगा आपका 32 मल्टीप्लाई 24, और मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देना, ओके। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देखो, इन अ हॉल, एक हॉल में देयर आर 35 रोज ऑफ चेयर। चेयर्स लगी होती है ना रोज से, ईच चेयर है, ईच रोज है 15 चेयर। देखो ये रोज है, ऐसे ऐसे रोज, ये सॉरी ये ऐसे रोज है, तो ये टोटल कितनी रोज है, 35 रोज है, ओके, ये 35 रोज है। और एक रोज में कितनी चेयर है, 1 2 3 4 5, एक रो में कितनी चेयर हो गई, 5, सेकेंड रो में भी 5 चेयर, थर्ड रो में भी 5 चेयर, ऐसे लगी हुई हैं।
आपको बताना है हॉल में टोटल कितनी चेयर्स हैं। तो यानी ये 15 चेयर्स है, 15 चेयर्स है। तो ये 15 प्लस ये 15 प्लस ये 15 कितनी बार 15? 35 टाइम्स। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, आप ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ चेयर्स इन वन रो इज इक्वल टू 15, क्योंकि ईच है ना, ईच मतलब वन। दोबारा से बोल रही हूँ, नंबर ऑफ चेयर्स इन वन रो इज इक्वल टू 15, फिर आप निकालना नंबर ऑफ चेयर्स इन 35 रोज इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 35 और आंसर लिख देना।